Sony LIV. We live to entertain. Download the app. मेरी फूली भरी बच्ची को आप लोगों ने फंसा के रखा है। अंकल प्लीज मेरे मोमडाल को कुछ करते। जिस तरह रिंकू ने आपको कुछ नहीं कहा था, मैंने भी अपनी मोमडाल को उठा नहीं था। बीती है पिछले कुछ दिनों में आप अंकल आंटी को दोष दे रहे हैं जिन्होंने एक बार मुझे ये एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं किसी और के घर में रह रही हूं आप चाहे कुछ भी बोलिए पापा लेकिन मेरा मानना यही है कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद मेरे साथ था तो ये रॉकी मेरी जिंदगी में आया एक बार नहीं दो बार जिंदगी बचाई तेरी जिंदगी बचाई क्यों बचाई तेरी जिंदगी किस मुसीबत में थी तू मां के जाने के बाद आप तो अपने काम में बिजी हो गए मेरा ध्यान रखने वाला तो कोई भी नहीं था फिर मेरी जिंदगी में अशोक आया मुझे लगा यही मेरा जीवन साथी बनने के लायक है तो मुझे दिल्ली बुलाया इसीलिए मैंने मेडिकल एंट्रेंस का बहाना बनाया आप ताकि आप मुझे दिल्ली ले आए मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे अशोक के साथ भाग जाना है उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि वो मुझसे शादी नहीं वो फायदा उठाना चाहता है इससे पहले कि वो मेरी इज्जत पे हाथ डालता रॉकी वहां पहुंच गया मैं अपनी गलती मान ली थी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी लेकिन अशोक फिर से वापस आया और उसने मेरे चेहरे पर एसिड फेंकना चाहा उसने फिर से मेरी जान बचाई और अशोक को पुलिस के हवाले कर दिया अगर मैं आज यहाँ जिंदा खड़ी हूँ इज्जत से सर उठा के बात कर रही हूँ तो सिर्फ रॉकी की वजह से मुझे गर्व है मैं रॉकी से प्यार करती हूँ क्या कर रहे हैं बस कीजिए आपकी बेटी ने जिंदगी में पहली बार आपसे सच कहा और उसके बदले में आपसे थप्पड़ मारा है मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को सजा मत दीजिए सजा दीजिए आपका हक बनता है लेकिन तब जब वो गलती करें अगर आप उन्हें बिना गलती के सजा देंगे तो उनके मन में जहर भर जाएगा और वो आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा नहीं चाहते है ना चित्ता साहब हाँ
बच्चों तुम लोग अपने अपने कमरे में जाओ। रुको, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूं। अभी इसी वक्त जब उत्तर बैग पैक कर, चड्डा तू जल्दबाजी में फैसला ले रहा है, आराम से बैठ के सोच ना। नहीं लकी, नहीं, आज मेरे ऊपर एक साथ कई बिजलियां गिरी हैं। अब मुझे ही तय करना है कि मुझे क्या करना है, और ये बात मैं अपनी बेटी के साथ बैठकर घर में तय करूंगा। अब मैं अपनी बेटी को वक्त देना चाहता हूँ, उसके पास रहना चाहता हूँ, ताकि वो मुझे और मैं उसको समझ सकूं। क्या पुत्र, बैग पैक कर, हम अभी निकलेंगे। और रोकोगे पुत्र, बजाना। चल एक काम कर, तू ना एक चंगा सा किशोर कुमार का गाना बजा मेरे वास्ते। क्या हुआ? सॉरी डैड, मेरे वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा। ना पुत्र, आज जो हुआ कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं। जानता है, जब तू 3 साल का था, एक दिन अचानक पता नहीं कहां से तू एक स्क्रू ड्राइवर ले आया, और तूने वो स्क्रू ड्राइवर मेरे ब्रांड न्यू रक्सीन के सोफे में घुसा दिया और फाड़ के चित्रे कर दिए सोफे के। दुख तो मुझे उस दिन हुआ था पुत्र। मैं अंधा, उससे ज्यादा दुख कब हुआ जब उस सोफे की स्प्रिंग तोड़ने के चक्कर में तेरे हाथ में चोट लग गई थी और तू रोता रहा रोता रहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। आज मुझे दुख नहीं पुत्र, आज तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया, क्योंकि जिस बाप का बेटा किसी लड़की की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देना, उस बाप का सर गर्व से ऊपर ही होता है, उसे दुख नहीं होता। आज तो ना मैं सारी दुनिया को चिल्लाकर बताना चाहता हूँ कि रॉकी सिंह अहलूवालिया मेरा बेटा है। रॉकी सिंह वो बहादुर है जिसके दिल में जुनून है, जिसके जिगर में हिम्मत है, जिसके मन में संस्कार है। ऐसा है मेरा रॉकी सिंह। मत रो यार। मैं वादा करता हूँ तुझसे, तू बस लाइफ में कुछ बन जा, अपने पैरों पे खड़े हो जा, फिर मैं ना खुद जाऊंगा चड्डा के पास और रिंकू का हाथ मांगूंगा तेरे वास्ते शादी के लिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।